हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरे ऊपर चैनल को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो कुछ शेयर जरूर किया करें, और जो नए व्यूअर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर उन्हें मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो। बाकी बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट जो खुला है, इसमें हम बताएंगे आपको कि मंडे को क्या हो सकता है, वरना कल क्या हो सकता है। पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वीकली चार्ट पर कंटिन्यू मार्केट इतनी लंबी, पिछली वीक को एक बीरिश कैंडल बनी थी बहुत अच्छी, उसके बाद यहाँ मार्केट ने थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की है। एक सेकेंड, यस ठीक है, यहाँ मार्केट ने थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की। अब चलते हैं हम डे टाइम फ्रेम पे। मेरा जो मानना ये है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अब थोड़ा मार्केट इसी रेंज में, तकरीबन इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। इस लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट थोड़ा टाइम लेगा। तकरीबन मार्केट ये 33,000 के आसपास तक ही ट्रेड करेगा, 33,000 से ऊपर थोड़ा यहाँ तक ट्रेड कर सकता है। इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करना जरूरी है और ये बनता है। तो नंबर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे ये सब हटा देते हैं। तो देखिए, मार्केट देगा थोड़ी अपसाइड की मूवमेंट, ये मेरा मानना है। देखिए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनकर बन रही है, मार्केट ने एक बुलिश मतलब मार्केट ने अपसाइड का एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था एक पुराना, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस था यहाँ पे 32,850 के आसपास रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नहीं दे पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद बेयरिश कैंडल बनी है, उसके बाद फिर एक अपसाइड की मूवमेंट आ गई, क्योंकि मार्केट ने फिर दोबारा बायर यहाँ पे एक्टिव हुए और मार्केट को वहीं ला के बंद कर दिया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, मार्केट अगर इसी रेंज के आसपास कहीं खुलता है कल, तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, 110% है मार्केट इसको ब्रेक करेगा, और जो पहला टारगेट होगा वो होगा 33,150 के आसपास का, हमारा पहला टारगेट होगा। ज़्यादा इसमें मैं व्यू रख नहीं रहा हूँ, 33,150 के आसपास हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और गैप डाउन खुलता है तो मार्केट देखिए यहाँ पे कहीं सपोर्ट क्रिएट करेगा, अगर इसको पहली बार में तोड़ दिया तो मार्केट दोबारा यहीं पे आ जाएगा, दोबारा 32,250 के आसपास मार्केट आ जाएगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है मार्केट 32,550 के लेवल को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मार्केट आ गया आएगा, फिर यहाँ से थोड़ी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है सपोर्ट लेके। रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहीं पे फेस करेगा, तकरीबन यहाँ पे फेस करेगा 33,150 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसको भी निकालता है तो ये जो लास्ट डे की क्लोजिंग, जो ये क्लोजिंग थी अपनी 15 जून की, यहाँ तक का मार्केट एक बार फिर 33,350 के आसपास आ सकता है। ये बैंक निफ्टी मैंने आपको चांस बताए हैं गैप अप खुलने में। गैप अप खुलने में क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप खुलेगा तो हो सकता है रेजिस्टेंस के पास ही खुले और रेजिस्टेंस से फेस करके दोबारा नीचे ही आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है मार्केट एक बार अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करेगा जो मैंने आपको बताया। डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ तक एक बार रिटेस्ट ले सकता है, 33,300 के आसपास तक का एक बार रिटेस्ट हो सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा उस पर ट्रेड ली जाती है। बाकी चलते हैं निफ्टी पे। मेरा व्यू बुलिश की तरफ है, बाकी मार्केट की स्थिति ऐसी चल रही है अभी इस वक्त, क्योंकि ध्यान रखना मार्केट में अभी मतलब जो अपना इंडिया में अभी दंगे फसाद ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट हो सकता है उसकी वजह से वीक रहे, डाउन साइड की मोमेंटम दिखा दे, इसलिए अपसाइड की तरफ भी सोच के चल रहा हूँ, डाउन साइड की तरफ भी सोच के चल रहा हूँ मैं तो। अब आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें भी एक अच्छी खासी एक सारे इसमें रेजिस्टेंस थे, सपोर्ट थे, तो तोड़ दिए। अब मार्केट ने इस सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं डे चार्ट पर। डे चार्ट पर मेरा मानना ये है इसमें कि एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कल के दिन पे, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कल के दिन पे, जो कल का हाई जो 15,400 का लेवल है इसको तोड़ेगा और यहाँ तक का एक बार रिट्रेस कर सकता है 15,500 के आसपास का। तो मेरा मानना कल ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बाकी प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं कि क्या करना है हमें कल। देखिए, मार्केट अपने एक बिल्कुल अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे है निफ्टी में,
अगर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को निकालता है 15,300 15,400 के लेवल को निकालता है, तो फिर मार्केट आएगा 15,400-15,500 के आसपास, 110% मार्केट फिर वहीं पे क्लोजिंग देगा। फिर अगली क्लोजिंग जो देगा 15,400 के आसपास आएगा, 15,400 का लेवल निकालेगा। तो मार्केट देखिए, मैंने पहले ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखे हुए थे, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस पर जब मैंने ट्रेड किए थे, तो मैंने आपको सारे लेवल बताए थे कि फिर मार्केट का जो रीटेस्ट लेवल होगा वो 15,675 के आसपास होगा। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगा, किसी भी रेजिस्टेंस को एक बार में नहीं तोड़ेगा, एक बार अपसाइड मूवमेंट देगा, फिर डाउनसाइड आएगा, फिर अपसाइड मूवमेंट देगा, फिर डाउनसाइड आएगा, क्योंकि मार्केट एक बार में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है ना। अब देखते हैं इसमें ये कंडीशन था जब मार्केट यहीं पे खुलता है आसपास, यहीं कहीं 15,350 के आसपास कहीं खुलता है, 15,300 के आसपास खुलता है, तो मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो इसको तोड़ देगा। क्योंकि तो देखिए, मार्केट ने पहले यहाँ पे ऐसे तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे कंट्रोल करा, फिर उसके बाद दोबारा तोड़ने की कोशिश करी। अगर अब ये अपसाइड मूवमेंट देता है, कोई बुलिश कैंडल देता है तो उसको तोड़ देगा, फिर मार्केट इसको 475 के आसपास के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, 500 के आवल के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, 15,500 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो इस पर निगाह बनाए रखना। बाकी डाउनसाइड के लिए मार्केट को दोबारा एक बार 15,260 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, 15,250 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तभी मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, 15,180 के आसपास के लेवल को रिटेस्ट करेगा। ये निफ्टी का एनालिसिस है, और गैप डाउन अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, इसको तोड़ेगा नहीं एक बार में, क्योंकि एक बार रिटेस्ट किया अभी इसने, इसको दोबारा ट्रेड। अगर यहीं कहीं पे ओपन हो पाया 15,160 या 50 के आसपास ओपन होता है, तो मेरा मानना है कि एक बुलिश कैंडल बनेगी और ऊपर चल जाएगा। अगर इसको फर्स्ट टाइम पे ही तोड़ देता है तो मार्केट फिर नीचे ही जाएगा, फिर ऊपर से अपसाइड मूवमेंट नहीं देगा, कहीं नीचे सपोर्ट बनाएगा, प्रोजेक्शन बनेगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बाकी देखिए, एनालिसिस करते हैं तो ये हमारा आइडिया लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है, बाकी जो ट्रेड बनेगी वो उसी टाइम पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से ली जाती है, ये मेरा मानना है। बाकी प्राइस एक्शन अगर वैसा बनता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नहीं बनता है तो फिर उस हिसाब से ट्रेड ढूंढी जाती है। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था आज का। आइए अब चेक करते हैं कि हम इंट्राडे में कल किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास दो स्टॉक हैं जो मैंने निकाले हैं, जो सही है अपने पोजीशन पे हैं, अभी इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक तो टाटा कम्युनिकेशन है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक नेगेटिव कैंडल बनी है, यहाँ पर मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और देखते हैं क्या होता है इस पर कल। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चेक करेंगे इसमें क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट एक हो सकता है ग्रीन पेटली बना दे, हो सकता है इस लेवल को निकालेगा तो नीचे जाने की तरफ, इधर 558 के लेवल को भी एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, सीधा सिंपल इसमें लॉजिक है अपना। देखिए, मार्केट यहाँ पर काफी टाइम सस्टेन किया, और यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, अगर इसको अपसाइड की मूवमेंट देनी होगी तो मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करेगा 886 के लेवल को, लेकिन जब यहाँ से 875 के ऊपर एक 5 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल बनती है बढ़िया सी बुलिश थी फुल बॉडी के साथ, अगर इसको ब्रेकआउट देता है 800-874 के लेवल को, 875-76 के लेवल को, तो आप यहाँ तक के लिए इसके लिए बाई कर सकते हैं। आपको इसमें आराम से 7-8 पॉइंट तक के लिए बोलूंगा, पूरा तो आप मत करना, लेकिन 7-8 पॉइंट के लिए बोलूंगा मैं, इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे तकरीबन 882 से लेके 886 के बीच तक आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ड्रिल करते रहना, और इसमें आप 2-4 रुपए का अपना स्टॉप लॉस ले लेना, 4 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 1:1 का इसमें आपको इजिली टारगेट मिल जाएगा अपसाइड के लिए। डाउन साइड में मैं ज्यादा श्योर इसलिए हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ चुका है, हो सकता है ये एक रीटेस्ट हो, उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट दे दे, तो डाउन साइड में भी आप इसमें निगाह बना रखना, और मोस्टली डाउन साइड की ट्रेड अगर मिल जाए तो ले लेना, क्योंकि डाउन साइड में ज्यादा मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि डाउन साइड की जो आपको ट्रेड मिलेगी इसमें 867 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलती है, 867 के लेवल दोबारा अगर ये निकालता है तो आप इसमें सीधे सीधे जा सकते हैं, 857 तक के लिए, 858 तक के लिए जा सकते हैं, आपने 9-10 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, 3-4 रुपए का आप अपने स्टॉप लॉस रख लेना, स्टॉप लॉस रख लेना आप अपने तकरीबन अगर 866 के नीचे अगर ये निकलता है तो स्टॉप लॉस आप अपना रख सकते हैं, जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी उसके ऊपर का आप इसमें 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रख के जो भी रेजिस्टेंस बनेगा एट ए टाइम मार्केट में, लाइव मार्केट में, वो मैं आपको अगर बता दूंगा कल इंट्राडे में, अगर आप लोग रख सकते हैं तो आप लोग खुद से रख लेना, वरना मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें डाउन साइड की ट्रेड दो है, डाउन साइड की तरफ ट्रेड एक है जो कि ज्यादा सिक्योर है, तो डाउन साइड में ही ज्यादा सिक्योर रहेगा। अगर ये इस लेवल को निकालता है 867 के लेवल को निकालता है, तो आप इसमें पहला टारगेट जो होगा इसमें 858 का होगा, 57 का होगा, और अगर इसको भी तोड़ता है तो आप इसमें बने रहना, तो फिर इसमें एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है, डाउन साइड में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपसाइड के मुकाबले, क्योंकि मार्केट इतने से गिर रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखा दे, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर 875 के ऊपर कोई अच्छी कैंडल हो जाए तो आप 4-5 रुपए इसमें 1:1 का आप इसमें ले सकते हैं रिवॉर्ड। बाकी चलते हैं अपन एक बार टाटा केमिकल में, देखिए टाटा केमिकल भी अपने बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे बंद हुआ है,
और देखिए इसमें भी अगर इस लेवल यहीं पे खुलता है कहीं आसपास और इस लेवल को निकालता है तो आप इसमें डाउन साइड के लिए बने रही है 835 पे। इसके 835 के नीचे आप इसमें डाउन साइड के लिए बने रह सकते हैं, 10-5 पॉइंट इसमें आपको नीचे आराम से मिल जाएंगे। अप साइड में जाने के लिए इसमें मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अप साइड में इसमें 848 के ऊपर ही निकलने के बाद ही इसमें कोई अप साइड की मूवमेंट बनेगी। आप इसमें अप साइड की मूवमेंट 848 के बाद ही ले सकते हैं। डाउन साइड में इसमें आप आराम से जा सकते हैं 10-5 पॉइंट के लिए, अगर इस लेवल को निकाल देता है कल तो 835 834 के नीचे ट्रेड करने लगता है कंटिन्यू, तो आप इसमें डाउन साइड के लिए जा सकते हैं 10-5 पॉइंट के लिए। बाकी चलते हैं अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट में भी अपना अच्छा एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। अडानी पोर्ट में इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया और इस लेवल का ही ब्रेकआउट करके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। हो सकता है ये एक रीटेस्ट कैंडल हो, रीटेस्ट कैंडल करके अगर दोबारा इस लेवल को निकालता है तो आप इसमें डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। 665 है, 665 के बाद आप जा सकते हैं 1:1 के लिए। तकरीबन आप इसमें 5 रुपये का स्टॉपर्स लगा के 665 से नीचे निकलता है तो 5 रुपये तक के लिए नीचे जा सकते हैं। 100 क्वांटिटी बाई करिए, 500 रुपये आपको इसमें ईजिली मिल जाएंगे। अपसाइड में जाने के लिए बहुत लंबा टारगेट मिलेगा इसमें, मतलब बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। 684 के ऊपर ही इसमें, 685 के ऊपर ही इसमें रेजिस्टेंस काफी है, तो डाउन साइड में ट्रेड इसमें आपको इजीली मिल जाएगी। और एक बार इसको डे टाइम फ्रेम पर चेक आउट करके दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, आप इसमें डाउन साइड के लिए ही जा सकते हैं अगर इस लेवल को दोबारा निकालता है। देखिए ये लेवल है, ये लेवल इस लेवल को दोबारा निकालता है तो आप इसमें 662 के लेवल तक के लिए दोबारा जा सकते हैं। और 662 के लेवल का दोबारा निकालता है तो आपका जो अगला लेवल होगा 654 के आसपास होगा, मतलब डाउन साइड में इसमें आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। अप साइड के लिए मैं नहीं बोलूंगा, अगर साइड के लिए कोई ट्रेड मिल रही हो तो इग्नोर कर देना। डाउन साइड में अगर उस लेवल निकालता है तो आप वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहना। 3 स्टॉक मैंने आपको बता दिए, तीनों में से आप किसी में भी ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी तीनों में खरीद लें, टारगेट आपको अच्छे मिल जाएंगे। होल्ड करना अगर आपके लेवल निकलते जा रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर देना। ओके, बाय।